एक और कपड़ा लेके आ गई आप। 20 दिन से आप डेली आ रही हो, डेली एक नया सूट लेके आ रही हैं। खाली आप ही का बयाना नहीं ले रखा है हमने। हाँ, आप ही के लिए दुकान खोली हमने। नहीं, बस जितना दे दिया उतना बन के मिल जाएगा आपको ईद वाले दिन। अस्तर लेके आएंगे अपने पास लगाते। हाँ, तो आप लेके आएंगे तो सिलाई कम पड़ जाएगी, अपने पास लगाएंगे तो सिलाई ज्यादा पड़ जाएगी। नाप उसी पन्नी में रख दिया ना आपने? हाँ, उसी में रख दिए। जो नाप हो बिल्कुल परफेक्ट वही रखिएगा। छोटा बड़ा हो हमसे ना कहिएगा, ईद का टाइम है, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हमारे चच्ची उन्होंने कहा था डीप नेक के लिए आपकी बिटिया ने, हम अपने आप से थोड़ी ना बना देंगे। अरे रे रे रे, उसको घर ले जाके मारिए, उसको अभी ना मारिए। यहाँ तो दुकानदारी चल रही, उसको होगने लगी यहीं पे। अरे चच्ची, अल्लाह की बंदी, हमको एक बार बता दो आपकी बिल जो है अस्तीन में लगेगी या दामन में लगेगी। हमको परेशान ना करना, रोजा रमजान का टाइम चल रहा है, ईद के टाइम एक तो आप लोग बेल यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, ठीक है मिल जाएगा ईद बाद, ईद से पहले दे देंगे प्लाजो। हाँ, नाती पोते की शादी की उम्र होगी, इनको प्लाजो पहनना है। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आप जो प्लाजो सही लगेगा आप पे। नहीं आंटी, रमजान में ब्लाउज नहीं सिल पाएंगे। हमारी चच्ची, जो नाप आपने दी थी उसी नाप का हमने जो है सिल दिया था। अब रमजान में आप खा के मोटी हो गई, इससे हम क्या करें? नहीं जो ईद बाद जो फिटिंग होगी, अब ले जाइए इसको, टाइम नहीं है। हमें इरफान, इन्होंने कंगूरे के लिए कहा था, मैं आपने पैंट में कंगूरे के लिए कहा ही नहीं था, सिंपल कहा था, हमने सिंपल बना दिया है। हम झूठ बोले? लड़का थोड़ी ना झूठ बोल रहा है। हाँ, आपने अलविदे वाले दिन कहा था, हम समझ गए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, आप चांद रात में लीजिएगा। ठीक है भैया, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है।